हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू ब्यूटी तंत्रा। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेकअप क्राइटेरिया सीरीज पार्ट 5। सो इस सीरीज में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ सेटिंग पाउडर्स के बारे में। सो ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जिसको देखते हुए आपको अपने सेटिंग पाउडर्स जो है वो चूज करने चाहिए। सो इस वीडियो में मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगी सेटिंग पाउडर्स के बारे में। सो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। जो होते हैं वो यूजुअली तीन टाइप के बारे में होते हैं, तो मैं तीनों टाइप को कवर करने वाली हूँ। सो सबसे पहले हम चलते हैं टिंटेड पाउडर्स की तरफ। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे पास मेबलिन फिटमी का टिंटेड पाउडर है, लूज पाउडर है एंड दिस इज इन द शेड 20। तो इसमें काफी सारे शेड आते हैं, तो आपको इसका शेड जो है वो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप आपको चूज करना है। ये पाउडर्स बेसिकली क्या करते हैं, आपका जो फेस है उसको कवरेज प्रोवाइड करते हैं। आपने जो फाउंडेशन लगाया है उसके ऊपर जब आप ये पाउडर लगाओगे तो और ज्यादा कवरेज ये पाउडर्स जो है आपको प्रोवाइड करेंगे, हेंस वो टिंटेड पाउडर के नाम से जाने जाते हैं। सो ये टिंटेड पाउडर बेसिकली कुछ ऐसे होते हैं, इसमें टिंट होता है, टिंट एज इन कलर होता है। तो ये वाले जो पाउडर है वो आपको आपके स्किन के कलर के अकॉर्डिंग आपको चूज करने हैं। तो मैंने यहाँ पे लाइट मीडियम वाला शेड जो है वो चूज किया हुआ है और ये लाइट मीडियम शेड मेरी स्किन टोन पे परफेक्टली जाता है। सो अभी हम बात करेंगे ट्रांसलूसेंट पाउडर के बारे में। सो ट्रांसलूसेंट पाउडर्स क्या होते हैं, बेसिकली इसमें कोई भी कलर नहीं होता, कलर होता है व्हाइट कलर होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, जो आपका फाउंडेशन है, जो आपका मेकअप बेस है, उसको ये सिर्फ सेट करने के लिए यूज होते हैं। ये जो पाउडर है, जो भी आपका ऑयलीनेस है, ग्रीसीनेस है, वो सेट करने के लिए काम आते हैं। तो ये जो है वो ऐसे व्हाइट कलर में आते हैं, लेकिन ये लगाने के बाद कोई भी व्हाइट कलर नहीं रहता, ये व्हाइट कलर जो है वो चला जाता है। ये सिर्फ आपका बेस जो है वो सेट करने के लिए यूज होते हैं। तो ये कोई भी स्किन टाइप के ऊपर चल जाएगा, ऐसा पर्टिकुलरली आपको आपके ही शेड का लेना है, या अगर आप डस्की स्किन टोन के हो तो व्हाइट कलर नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ये व्हाइट कलर जो है वो डीपर स्किन टोन वाले, मीडियम स्किन टोन वाले, फेयर स्किन टोन वाले, सारी स्किन टोन वाले इंसान जो है वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका व्हाइट कलर जो है वो रहता नहीं है फेस पे, वो चला जाता है। सो दीज पाउडर्स आर कॉल्ड एज ट्रांसलूसेंट पाउडर और ये सिर्फ आपका मेकअप सेट करने के लिए काम आते हैं। सो मेरे पास यहाँ पे स्विस ब्यूटी का प्राइम एंड सेट वाला ट्रांसलूसेंट पाउडर है, काफी अच्छा पाउडर है। अगर आप एक बिगनर हो और आपको पता नहीं है कौन सा ट्रांसलूसेंट पाउडर आपको खरीदना चाहिए या ट्राई करना चाहिए, ये सिर्फ 200 रुपीज या 222 रुपीज में आता है। यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक दिस पाउडर आउट। ओके, सो जो थर्ड पाउडर मेरे पास है उसे कहते हैं बनाना पाउडर। सो ये बनाना पाउडर जो है वो एकदम ही ब्राइट येलो कलर में आती है। तो मेरे पास यहाँ पे मेकअप रिवॉल्यूशन की बनाना पाउडर है और ये बनाना पाउडर किस लिए यूज होती है वो भी मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, बट लेट मी शो यू द स्वॉच ऑफ दिस पाउडर फर्स्ट। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये काफी ज्यादा येलो है, ये वाली जो है वो मेबलिन की है जो मेरी स्किन टोन की है, और ये वाली जो थी व्हाइट कलर की ट्रांसलूसेंट पाउडर थी। सो दिस इज द बनाना पाउडर, दिस इज द टिंटेड पाउडर एंड दिस इज द ट्रांसलूसेंट पाउडर। तो बनाना पाउडर जो होती है उसमें एक ब्राइट येलो कलर का टिंट होता है, मतलब काफी ज्यादा येलो टिंटेड पाउडर होती है ये, दैट्स व्हाई उसको एक बनाना पाउडर बोलते हैं, क्योंकि बनाना भी येलो कलर का होता है, इसीलिए इसको एक बनाना पाउडर बोलते हैं। अभी ये बनाना पाउडर हम क्यों यूज करते हैं और ये किस लिए यूज होती है, तो आप लोग ने जैसे देखा होगा कि हम कंसीलर यूज करते हैं, 2-3 शेड लाइट कंसीलर यूज करते हैं अपने अंडर आई एरिया को, ब्रिज ऑफ द नोज को, चिन को हाईलाइट करने के लिए। हाईलाइट करने से क्या होता है, जो ये वाले जो फीचर्स है ना वो एकदम से ऐसे सामने दिख के आते हैं, बहुत अच्छे से दिख के आते हैं जब आप एक मेकअप करते हो। तो वो जो जहां जहां पे आपने कंसीलर लगाया है वो
वाला एरिया हाईलाइट करने के लिए आप इस पाउडर को यूज कर सकते हो। आप इस पाउडर को आपका ये चीक बोन जो है वहां पे स्कर्ट करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हो, ताकि वो एक शैडो वाला इफेक्ट दे कि यहाँ का पार्ट आपका एकदम से ब्राइट होके आ रहा है, एकदम से हाईलाइट होके आ रहा है। सो दीज पाउडर्स आर बेसिकली यूज टू हाईलाइट सम पर्टिकुलर एरियाज ऑफ योर फेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अंडर आइज पे, ब्रिज ऑफ द नोज पे, क्यूपिड बो पे और यहाँ पे चिन पे। प्लस यू कैन ऑल्सो हाईलाइट दिस चीक बोन एरिया। तो ये वाले पाउडर जो है सिर्फ हाईलाइट करने के काम आते हैं, सेट करने के लिए आपको दूसरे पाउडर्स यूज करने चाहिए। सो आई होप आपको इन तीनों सेटिंग पाउडर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया हो। मैंने बहुत ही इजी वे में ट्राई किया है आप लोगों को मैं समझा पाऊँ कि ये लूज पाउडर्स क्या होते हैं, सेटिंग पाउडर्स क्या होते हैं, कौन सी पाउडर किस चीज के लिए काम आती है। सो या आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और बाजू में बेल आइकन है उसे भी दबाना, सो दैट अगले टाइम मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। सो या आई सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।